लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले आपको उससे रूबरू करवाते हैं। भारतीय अधिकारियों का पाक के सामने कड़ा रुख। पुलवामा हमले के बाद लगातार भारतीय अधिकारी हो, भारतीय सरकार हो, पाकिस्तान के अधिकारी हो या पाकिस्तान सरकार को लेकर एक कड़ा रुख अख्तियार भारत की तरफ से कर लिया गया है। भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ एक दूरी बनाई है। हाथ बढ़ाने पर भी भारतीय अधिकारी ने हाथ नहीं मिलाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की फजीहत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय अधिकारियों का पाक अधिकारियों के सामने कड़ा रुख जो है वो सामने आया है। पुलवामा हमले का आईसीजी में भी असर साफ तौर पर देखने को मिला। भारतीय अधिकारियों ने पाक अधिकारियों के साथ एक दूरी बनाए रखी। अगर अब तक की हम बात करें तो शिष्टाचार के तौर पर अगर कोई हाथ बढ़ाता था तो भारतीय अधिकारी हाथ आगे जरूर बढ़ाते थे, चाहे वो पाकिस्तान के ही अधिकारी क्यों ना हो। लेकिन पुलवामा हमले के बाद चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो सरकार हो, उनकी तरफ से एक सख्त रुख जो है वो अख्तियार कर लिया गया। भविष्य मेरे सहयोगी इस खबर की अधिक जानकारी के साथ इस वक्त फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़े हैं। भविष्य, जो चीजें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक अलग बिहेव की खबरें सामने आ रही है कि अभी तक बेशक शिष्टाचार के नाते हाथ मिलाया जाता था, लेकिन अब वो चीज भी खत्म कर दी गई है भारतीय अधिकारियों की तरफ से। जी, जाहिर तौर पर नेहा, देखिए जिस तरीके से कुलभूषण जाधव के मामले में आईसीजी में चार दिनों तक चलने वाली सुनवाई आज से शुरू हुई और इस दौरान भारत की तरफ से हरीश साल्वे की साल्वे ने अपना पक्ष रखा, लेकिन जो डिप्लोमेटिक अंदाज में जिस तरीके से फजीहत हुई है पाकिस्तान की, वो अपने आप में एक मिसाल है, एक उदाहरण है कि अब ये दोहरा जो रवैया है पाकिस्तान का वो नहीं चलने वाला। पूरी जानकारी नेहा आपको बता दूं कि जो पुलवामा आतंकी हमले का जो असर था वो आईसीजी में भी देखने को मिला है। जब विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपक मित्तल ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। दरअसल सुनवाई से पहले का यह मामला है नेहा, बता दो आपको, जब खुद मंसूर खान पहुंचे थे दीपक मित्तल के पास हाथ मिलाने के लिए, उस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे साफ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया इशारे में, तो उससे साफ था कि कहीं ना कहीं देख अब जो उनका दोहरा रवैया है वो चलने नहीं वाला है। जब तक आतंक की सरपरस्ती पाकिस्तान करता रहेगा तब तक भारत एकजुट होकर अब डायलॉग नहीं किसी तरह का पाकिस्तान से जारी रखेगा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। और इससे बड़ा संदेश देखिए नेहा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी गया है, जहां एक तरफ कुलभूषण जाधव को लेकर सख्ती से हरीश साल्वे ने आईसीजी में भारत का स्टैंड रखा है और तमाम आरोप जो है वो पाकिस्तान पर लगाए हैं। किस तरीके से इस मामले में कुलभूषण जाधव के मामले में लगातार 13 बार काउंसलर एक्सेस की मांग कुलभूषण यादव की तरफ से की गई थी, वो तमाम चीजों को भी कोर्ट में रखा गया। साथ ही साथ वियना संधि को तोड़ने का आरोप पाकिस्तान पर लगाया गया। तो एक तरफ जहां कानूनी तौर पर भी भारत मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है अब डिप्लोमेटिक अंदाज में भी ये साफ कर दिया है भारत ने कि अब पाकिस्तान के दोहरे रवैये के साथ भारत किसी भी तरीके से समझौता करने की मूड में नहीं है। भविष्य, चाहे हम डिप्लोमेटिक तरीके की बात करें या फिर दूसरा, अगर हम बात करें कि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, जिस तरह से बताया भी जा रहा है कि गाजी जो है वो मारा गया है, यानी कि दोनों तरफ से भारत की तरफ से पूरा जो प्रेशर है वो बिल्ड किया जा रहा है। अभी तक हम सॉफ्ट कंट्री के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अब भारत ने बता दिया कि अब और नहीं। जी, जाहिर तौर पर देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक स्टैंड के बाद भी ये बात नेहा रखी कि अब जो बातचीत का टाइम है वो चला गया है, अब केवल एक्शन का टाइम होगा। और जो मुठभेड़ पुलवामा में चल रही है, लगातार कश्मीर में चल रही है, हालांकि भारतीय जो जवान हैं वो उसमें शहीद हुए हैं आज भी, लेकिन जो साजिशकर्ता बताया जा रहा है राशिद गाजी, उसको ढेर कर दिया है। साथ ही दो आतंकियों को और ढेर आज हिंदुस्तानी फौज ने किया है, सुरक्षा बलों ने किया है, तो ऐसे में बड़ी कामयाबी भी मानी जा रही है। हालांकि नुकसान भारत को आज भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने अपना मजबूती के साथ स्टैंड रखा है, चाहे वो जमीन पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही। तो तस्वीर अमूमन साफ है कि अब किसी तरह से भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भविष्य आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।